आज तुम्हें भगवान राम की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। दशरथ के प्राण कौशल्या सुत की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जिनके बस नाम सारे से ही भवतर जाते हैं, हम सब भवतर जाते हैं। उन दुख हरता भगवान राम की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। फिर चित्रकूट को छोड़ चले आगे लीलाधारी, लखन सिया को संग लिए विष्णु के अवतारी। फिर अत्रि मुनि के आश्रम पर जा पहुँचे रघुराई, माता अनसुईया ने सीता फिर पास में बैठाई। ले विदा यहाँ से राम और आगे को चलते हैं, मार्ग में विराग राक्षस का प्रभु जी वध करते हैं। सरभंग ऋषि के आश्रम पर फिर जाते हैं रघुवर, वैकुंठ सिधारे ऋषि प्रभु के चरणों को छूकर। राम लखन सिया अगस्त मुनि के आश्रम आते हैं, अगस्त मुनि से मिलकर राम जी आगे चलते हैं। पंचवटी थी दंडक वन में वहां पहुंचते हैं। पंचवटी में पहुंच लखन ने कुटी बनाई है, सबके मन को मोह लेती इस तरह सजाई है। एक दिन भक्तों शूर्पणखा पंचवटी पे आती है, राम की सुंदरता पर वो मोहित हो जाती है। राम से बोली शूर्पणखा मुझसे शादी कर लो, मैं हूँ सुंदर गुणवती तुम मुझको फिर वर लो। राम उसे लक्ष्मण के बारे में बतलाते हैं, फिर लक्ष्मण जी के पास पहुंचती है। उनसे भी फिर शादी करने को वो कहती है। कभी राम के कभी लखन के पास में जाने लगी, ना माने श्री राम भयंकर रूप दिखाने लगी। लखन के हाथों से अपनी फिर नाक कटाती है, नाक कटाकर खरदूषण के पास में जाती है। खरदूषण फिर से ना लेकर पंचवटी आए, राम ने दोनों मार दूजे लोक में पहुंचाए। सभी देवता ऋषि मुनि गुण राम के गाते हैं, सुनाते हैं। हे दुख भंजन श्री राम, हे
फिर सूपनखा रावण से सारी बात बताती है। राम से लड़ने को वो रावण को उकसाती है। भक्तों रावण मारीच के पास में जाता है, छल से सीता हर लाने की बात बताता है। बन सोने का मृग वो फिर तो पंचवटी आया, देख के उसको सीता जी ने राम से फरमाया। राम से बोली सीता जी मृग ला कर दो मुझको, मेरी इच्छा पूर्ण अब प्रभु करनी है तुमको। प्रभु राम उस हिरण के पीछे बन जाते हैं। दशरथ के प्राण का सल्या सुत की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे दुख भंजन श्री राम, हे दुख भंजन श्री राम, हे दुख भंजन श्री राम, हे दुख भंजन श्री राम। राम प्रभु ने धूर हिरण जब मार गिराया है, राम के स्वर में तब उसने कुछ शोर मचाया है। राम की सुन आवाज सिया ने लखन को भेजा है, इतने में साधु बन रावण वहां जा पहुंचा है। छल से बल से सीता जी को रथ में बिठाता है, गिद्ध जटायु रस्ते में रावण को मिलता है। रावण से फिर लड़ा जटायु पंख कटा बैठा, जितना वश में था उतना वो फर्ज निभा बैठा। उधर कुटी पर राम लखन वापस आ जाते हैं। सीता को ना पाया कुटी में दोनों घबराते हैं, राम लखन दोनों ही सिया की ढूंढ मचाते हैं। डाल डाल से पात पात से पूछ रहे हैं ना, रो रो के सब बता रहे वो सीता जी का ना। मार्ग में मिले जटायु घायल हाल सुनाया है, सीता को ले गया है रावण उसने बताया है। प्राण त्याग दिए गिद्ध जटायु ने राम की गोदी में, दीन दयाला दीनानाथ भगवान की गोदी में। भक्तों ऐसी मृत्यु किस्मत वाले पाते हैं। श्री राम जी शबरी के फिर आश्रम जाते हैं, दीनहीन शबरी को रघुवर धन्य बनाते हैं। राम जी शबरी के दिए फिर बेर लगे खाने, लखन ने पीछे फेंके तो लगे राम जी मुस्काने। भक्त और भगवान के प्रेम को जान नहीं पाए, प्रेम के वश में श्री राम ने झूठे बेर खाए।
शबरी का उद्धार किया श्री राम दयालु ने, भीलन जाति को श्रेष्ठ किया रघुवर कृपालु ने। इसीलिए सीता पति दीनानाथ कहते हैं, दशरथ के प्राण कौशल्या सुत की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे दुख भंजन श्री राम, हे दुख भंजन श्री राम, हे दुख भंजन श्री राम, हे दुख भंजन श्री राम। फिर हुई मैत्री सुग्रीव से दशरथ प्यारे की, सब बोलो मिलकर जय हो जगपालन हारे की। बाली का फिर वध किया सुग्रीव को राज दिया, सिया की खोज का आगे प्रभु ने फिर आदेश दिया। अब किसी को लांग समुंदर लंका जाना था, लंका में जाकर सीता जी का पता लगाना था। हनुमान ले भीड़ा ये लंका को चलते हैं, सीता का पता लगाने की फिर प्रतिज्ञा करते हैं। राम कले के नाम पवन सुत लंका जाते हैं, बजरंगी बाला। सुरसा के मुख से बाहर निकले अंजनी के लाला, सिंह का कोदी अमार हनुमत लंका जा पहुँचे। सूक्ष्म रूप को धार के लंका भीतर जा पहुँचे, एक मुष्टि का मार लंकिनी धरा गिराई है। विभीषण ने फिर अशोक वाटिका की राह बताई है, अशोक वाटिका जा पहुँचे फिर हनुमत बलबीरा। मात सिया को देख के मन की दूर हुई पीरा, रावण ले संग राक्षसियों को वहाँ आ जाते हैं। बजरंगी ने सूक्ष्म रूप में खुद को छिपाया है, रावण ने फिर सीता को तो भय दिखलाया है। रावण बोला एक बार मेरी ओर देख सीता, अत्याचार की ओर सिया ने एक पल ना देखा। माता बोली दुष्ट यतन मन राम पे वारे हैं, रघुवर तीनों लोकों से ज्यादा मुझको प्यारे हैं। पेड़ पे छिप कर सब कुछ हनुमत देख रहे चुपचाप, शीश झुका कर मन में कहते धन्य है सीता माँ। रावण चला गया तो उतर के सम्मुख आते हैं, भंजन श्री राम।
फिर रामचंद्र की मुद्रिका दे सब हाल सुनाया है। मात सिया को हनुमान ने धीर बंधाया है। सभी वृक्ष वहाँ के भक्त जनों हनुमत ने उखाड़ दिए। जो भी आए सम्मुख बाला जिन तुरंत ही मार दिए। फिर मेघनाथ हनुमत को पकड़ के रावण पास गया। हनुमान ने बीच सभा में राम जी का गुण फिर गाया। क्रोध में भर कर रावण हनुमत पर चिल्लाता है। फिर हनुमान की पूंछ में भक्तों आग लगाता है। हनुमत हंसकर भक्तों राम की जय जय बुलाते हैं। दशरथ के प्राण कौशल्या सुत की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे दुख भंजन श्री राम, हे दुख भंजन श्री राम, हे दुख भंजन श्री राम, हे दुख भंजन श्री राम। ले राम नाम सोने की लंका राख बना डाली। रावण की आंखों के आगे ही खाक बना डाली। मात सिया से आज्ञा लेकर वापस आए बजरंग। राम भगत है हम रावण को बता आए बजरंग। राम पूछते हैं बजरंगी बात बताओ तुम। कैसी है मेरी सीता उसका हाल सुनाओ तुम। हनुमत जी चूड़ा मणि फिर राम को देते हैं। बात कही थी माता ने वो बात बताते हैं। सीता जी का राम प्रभु को हाल सुनाते हैं। बोले रघुवर हनुमान ये उपकार न भूलेंगे। अंजन के लाला तेरा ये प्यार न भूलेंगे। राम वानरों संग समुंदर तट पर आ बैठे। क्रोध से भरे हुए वानर थे रावण पर ऐठे। वहीं पे राम शरण में भक्तों विभीषण आते हैं। राम प्रभु उन बड़े प्यार से गले लगाते हैं। सागर से की विनती राम ने सागर ना आया। भक्त जनों फिर राम प्रभु ने धनवा उठाया। भक्तों के हितकारी धनुष पे बाण चढ़ाते हैं। अब हाथ जोड़ प्रभु के सम्मुख वो सागर आया है। राम के शुभ चरणों में अपना शीश नवाया है। सागर बोला जो नल नील पत्थर को फेंकेंगे। हे राम वो पत्थर सच कहता हूँ मुझ में तैरेंगे। नल नील फिर पत्थर को सागर में फेंकते हैं। राम का नाम लिखे पत्थर देखो सागर तैरते हैं।
कुछ ही समय में सागर ऊपर पुल बन जाता है। नाच नाच कर वानर दल फिर खुशी मनाता है। राम तुम्हारे नाम की सब जन महिमा गाते हैं। दशरथ के प्राण कौशल्या सुत की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे दुख भंजन श्री राम, हे दुख भंजन श्री राम, हे दुख भंजन श्री राम, हे दुख भंजन श्री राम। उसी समय की बात तुम्हें एक खास बताएंगे। राम नाम की शक्ति का तुम्हें हाल सुनाएंगे। उठा के पत्थर सागर अंदर डालते हैं भगवान। डूब गया वो पत्थर ये सब देख रहे हनुमान। हनुमत बोले जिससे आपने नाता तोड़ लिया, वो कैसे तैरेगा जिसको तुमने छोड़ दिया। राम आपकी माया से ही चलता है संसार। दीन दयाला दीननाथ तुम हो सबके करता। राम वहां पर रामेश्वर स्थापना कराते हैं। फिर अंगद बनकर राम दूत लंका में जाते हैं। निर्लज्ज दशानन रावण को जाकर समझाते हैं। अंगद रावण से बोले प्रभु राम है बल के धाम। हट छोड़ रे मूरख क्षमा मांग रट ले रघुवर का नाम। भक्तों अंगद की रावण ने बात नहीं मानी। श्री राम से लड़ने की थी रावण ने मन में ठानी। प्रभु राम से आकर कहते हैं बातें अंगद सारी। फिर राम प्रभु जी करते हैं लड़ने की तैयारी। जिसको जो करना है राम जी सब समझाते हैं। दशरथ के प्राण कौशल्या सुत की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे दुख भंजन श्री राम, हे दुख भंजन श्री राम, हे दुख भंजन श्री राम, हे दुख भंजन श्री राम। फिर युद्ध शुरू हो जाता है अच्छाई बुराई में। अब देखो भक्तों शक्ति है कितनी सच्चाई में। बड़े बड़े योद्धा रावण के मारे जाते हैं। राम के हाथों भक्त जनों मुक्ति वो पाते हैं। फिर मेघनाथ ने आकर अपनी माया दिखाई है। राम प्रभु ने एक बाण से माया हटाई है। मेघनाथ ने फिर लक्ष्मण को शक्ति थी मारी। लक्ष्मण हो गए मूर्छित, राम को शोक हुआ भारी। हनुमान लंका से वैद्य सुषेण को लाते हैं। Hey, dukh bhanjan si raam।
सुषेण जी बोले कोई जाकर संजीवनी ले आए। हनुमत जी भक्तों फिर धौलागिरी पर्वत ले आए। संजीवन से लक्ष्मण जी जीवित हो जाते हैं। राम और वानर गण सारे सब खुशी मनाते हैं। राम के हाथों कुंभकर्ण भी मारा जाता है। लखन के हाथों मेघनाथ मृत्यु को पाता है। अंत समय में दोनों ने श्री राम का जाप किया। रघुवर ने दोनों को अपने धाम को भेज दिया। राम दयालु और कृपालु भक्त कहते हैं। दशरथ के प्राण कौशल्या सुत की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे दुख भंजन श्री राम, हे दुख भंजन श्री राम, हे दुख भंजन श्री राम, हे दुख भंजन श्री राम। जब कुछ ना शेष रहा रावण खुद ही रण में आया। अस्त्र शस्त्र माया भी शक्ति सब संग में लाया। राम और रावण में युद्ध शुरू हो जाता है। रावण बड़ी बड़ी शक्ति रघुवर पे चलाता है। बोले विभीषण श्री राम से सुनो मेरी वाणी, इसकी नाभि में अमृत है रघुवर ने ये जानी। बहुत खिलाए खेल धनुष पर रखे 31 बाण, एक पल में रघुराई ने हर लिया पापी का प्राण। रावण को दिया मार प्रभु की महिमा गाते हैं। राम विभीषण को लंका का राजा बनाते हैं। सीता को फिर राम प्रभु तो पास बुलाते हैं। सीता जी की अग्नि परीक्षा लेते हैं भगवान। राम की लीला राम ही जाने ना जाने इंसान। राम विदा होकर लंका से अवध को चलते हैं। हनुमत विभीषण वानर गण कुछ साथ में चलते हैं। राम संदेशा भरत को जाकर दे आए हनुमान। अवध आकर भक्तों फिर उतरा पुष्पक विमान। देख अवध के लोग नाच कर खुशी मनाते हैं। फिर अवध के राजा राम हुए और खुशी हुई भारी। झूम झूम के नाचती है भक्तों प्रजा सारी। राम राज में सभी सुखी थे दुखी नहीं कोई। चारों तरफ ही पुण्य वहां था पाप नहीं कोई। लोग निरोगी पुष्ट बड़े बलवान हुआ करते। झूठ से रहते दूर सदा ही सत्य कहा करते।
किसी भी जन को भक्तों ना कोई दुख सताता था। जिसे भी देखो वही राम के गुण को गाता था। बड़े प्रेम से राम प्रभु जी राज चलाते हैं। दशरथ के प्राण कौशल्या सुत की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे दुख भंजन श्री राम, हे दुख भंजन श्री राम, हे दुख भंजन श्री राम, हे दुख भंजन श्री राम। फिर एक दिन एक सेवक आकर राम से कहता है, जगत पिता एक धोबी आपकी निंदा करता है। कहता है सीता को क्यों तुमने स्वीकार किया, लंका में रही सीता तुमने क्यों ना त्याग किया। ऐसा सुनकर रघुनंदन कुछ व्याकुल होते हैं। छोटे भाई लखन को फिर वो पास बुलाते हैं। बोले लखन से सीता को वन में छोड़ आना है, रख ले कर सुन लो लक्ष्मण तुमको ही जाना है। मात सिया को लेकर लक्ष्मण वन को जाते हैं। मातसिया को छोड़ लखन वापस आ जाते हैं। सीता को ऋषि वाल्मीकि आश्रम ले आते हैं। समय की धारा बहते बहते पहुंच गई आगे, भक्त जनों ऋषि वाल्मीकि आश्रम के भाग जागे। मातसिया ने दो सुंदर पुत्रों को जन्म दिया, वाल्मीकि ने लव और कुश दोनों को नाम दिया। लव कुश अपनी चंचलता से सबको लुभाने लगे, मीठी मीठी बात बताकर सबको रिझाने लगे। वाल्मीकि लव कुश को सब विद्याएं सिखाते हैं। उधर अवध में अश्वमेध यज्ञ राम कराने लगे, संत महात्मा ऋषि मुनि सब यज्ञ में आने लगे। गुरुवर ने बिन पत्नी पूजा अपूर्ण बताई है, यज्ञ पूर्ण करने को सिया सोने की बनाई है। लव कुश जाकर बीच सभा में वीणा बजाते हैं, मधुर ताल पे सीता चरित फिर सबको सुनाते हैं। सुनकर सीता चरित सभी के नैना भर आए, सीता चरित सुना के लव कुश वापस घर आए। यज्ञ के घोड़े को प्रभु जी फिर मंगवाते हैं।
विधिवत पूजन घोड़े का रघुराई करते हैं। घोड़े को ले शत्रु घन से नाले चलते हैं। जिधर भी जाता है घोड़ा सब शीश झुकाते हैं। जो रोके हैं घोड़े को वो मारे जाते हैं। अश्वमेघ का घोड़ा उसी जगह जाता है जहाँ पे लव कुश के संग रहती सीता माता है। लव कुश ने घोड़े को भक्तों बांध लिया तत्काल। शत्रु घन से लड़ने को धनुआ था लिया संभाल। शत्रु घन लव कुश से लड़ मूर्छित हो जाते हैं। फिर लव कुश से लड़ने को लक्ष्मण जी आ गए। है अफसोस दो छोटे बच्चों से फिर हार गए। लव कुश ने फिर बांध लिए थे पवन पुत्र हनुमान। कुटिया में ले आए उनको लव कुश दो बलवान। कुटिया में पहुँचे हनुमत माँ को पहचान लिया। प्रभु राम की लीला को मन ही मन जान लिया। हनुमान ने माँ के चरण में शीश नवाया है। मातृसिया ने पुत्र हनु को पास बिठाया है। ऋषि वाल्मीकि भक्त जनों सबको समझाते हैं। भरत विभीषण अंगद लड़ने आए बहुत से भी। हार गए सब लड़ने को फिर आए हैं रघुवीर। लव कुश बोले राम हमारी माता थी निर्दोष। भगवान आप तो जानते सब फिर क्यों लगाया दोष। रघुवर बोले मैंने मानव धर्म निभाया है। अन्यथा मेरे धाम में कोई भेद न माया है। ये लीला करनी थी मुझको मानव काया में। जान बूझ कर फंसना था इस जग की माया में। राम आपके चरणों में हम शीश नवाते हैं। फिर धरती की गोदी में सीता समा गई। सती की शक्ति भक्त जनों सबको दिखा गई। लव कुश को दे राज्य राम चलते हैं अपने धाम। सभी देवगण बोल रहे हैं जय 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 श्री राम। भक्त जनों धरती पर आए विष्णु के अवतार। बड़े बड़े पापी भी राम ने कर दिए भव से पार। आओ मिलकर था।
करते हैं हम राम नाम गुणगान। जगत पिता जगदीश कृपालु वही है दया निधान। राम जो भजते हैं वो ही मुक्ति को पाते हैं।